नमस्कार मुझ विभरंजन आज टॉप वन खबर आरंभ करवा बुलेटिन सुंदरगढ़ विकास पर 5000 कोटी भेटी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राउरकेलें विश्वर सर्वबृहत हॉकी स्टेडियम सहित बहु प्रकल्पर शिलान्यास कर मुख्यमंत्री यह स्टेडियम को विशिष्ट संग्रामी बिरसा मुंडा नाँच नामित बीपीयूटी कैंपस सभा उद्बोधन दे मुख्यमंत्री कहते हॉकी अंतुड़ी शाण सुंदरगढ़ तेणु विश्वर एक बड़ स्टेडियम युव समाज भितर प्रेरणा सृष्टि करने सहित बड़ स्वप्न और बड़ काम करने उत्साह सृष्टि कर मुख्यमंत्री कहते राउरकेला आशार सहर एठाक जीविकापाई आखपाख राज्यर लोके आसंति राउरकेला स्टील प्लांट ठारु आरंभ कर एनआईटी पर्यंत सबुथिरे बिजु बाबूंकर स्मृति रही सुंदरगढ़ जिलार मिशन शक्तिर मां विकास कामरे सहयोग पाई मुख्यमंत्री धन्यवाद जनाइछन्ति भुवनेश्वर मेक इन ओडिशा कनक्लेव्रे बालीशंकरार जयंती एका तांको उद्योग पाई किभली समस्तों दृष्टि आकर्षण करिथिले तार उदाहरण देथिले मुख्यमंत्री जनजाति पिलांको शिक्षा सुविधा सहित जनजाति संस्कृति सुरक्षा पाई राज्य सरकार पदक्षेप नेउछन्ती मुंडारी एवं हो भाषा को संविधान अष्टम परिच्छेद अंतर्भुक्त करने केन्द्र सरकार निकट में पुणि थे दाबी रखिथिले नवीन 2000 मसीह राज्यर योजना बजेट मात्र 2800 कोटी थी आज केवल सुंदरगढ़ 5000 कोटी प्रकल्प आरंभ कर रूपातर विकास नमूना बोली वर्णना कर मुख्यमंत्री विकास धारा को जारी रखा समस्त कामना कर राउरकेला सभा में क्रीड़ा मंत्री तुषारकांति बेहरा राजस्व मंत्री सुदाम मारांडी समेत बहु मंत्री सांसद और विधायक मैंने जोगद हॉकी स्टेडियम करिबा पाए फाउंडेशन दिया गला मु आनंद घोषणा करी छी जे एही स्टेडियम महान संग्रामी बिरसा मुंडा को नाम रे नामित कर गला आमरो युवपीढ़ी पाए एही स्टेडियम सबु बेले प्रेरणा होए रहीबो लीडर जयंती एका कपरी मां माने समाज रो आदर्श सही पछी हू ओ मुंदरी भाषा आम कॉन्स्टिट्यूशन रो एज शेड्यूल रे रखिबा पाए मु केंद्र निकटरे दाबी करी छी 2000 मसीहारे मु दायित्व नेबेले ओडिशा रो प्लान बजेट थेला मात्र 2800 कोटी टंका आज केवल सुंदरगढ़ बेला जिला पाई 5000 कोटी टंका रो प्रोजेक्ट आरंभ करा गला एहा ही रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन रो नमूना विकास रो नमूना यह संभव होइची आपन मान को सहयोग जोगु आगामी दिन रे आपन मान को सहयोग ही उड़ीसा को आवरी आग को नेबो 4800 कोटी टंका रा प्रकल्प मु केबे स्वप्न रे भाबी नथिली आपन माने जानंती 85 मसीहारे प्रथम अष्टटप पड़ा ओडिशार यही राउरकेलें 7 वर्ष तार लाइफ 92 मसीह पिला खेल टच ना ये मोर बस हकी पिला माने कृतज्ञता ज्ञापन करी जहां को नहीं आम गर्वित वर्तमान 5T कमिशन जिते बड़े एडीएम थे कौन करना मो पिला जिम्नासीयम ना पिला पाचर तल उपर को होते निजस्व उद्यम आरंभ करूँ हकीर जात्रा आमे कहीं के भाभी आमे के स्वप्न में भाव नु सुंदरगढ़ जिले में 17 टर्फ हो पार आमे के स्वप्न में भाव नु राउरकेल विश्वस्तरीय स्टेडियम हो पार ये राउरकेला तथा सुंदरगढ़ हूँ हकीर एंतुड़ी शाण ए अंचल जो प्लेयर मैंने अच्छा जो मैंने विश्व दरबार में आम ओडिशा गर्व गौरव सम्मान आनी सेमानको प्रतिष्ठित करेबा तथा सुंदरगढ़ को विश्व मानचित्र प्रतिष्ठित करेबा होची मोर प्रथम लक्ष्य एवं प्रथम कर्तव्य से प्रतिबद्धता एवं प्रतिश्रुति मान्यवर मुख्यमंत्री चरणारविंद प्रणाम करुची एवं कोटि कोटि धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण करुची सुंदरगढ़ माटी
एक ऐतिहासिक माटी बंधुगण इतिहास मन पकड़ा चाहे से दिन भारत बर्षर दुर्विजन नेता विजु पट्टनायक ओडिशा रे लौह कारखाना प्रतिष्ठा करी ए माटी रे लौह कारखाना प्रतिष्ठा करी भारत बर्षर यार मानचित्र को बदाई रही थे आज पुणी थे सुपुत्र नवीन पट्टनायक आमर प्रिय पूज्य ओडिशा माटी रे समस्त प्रिय नवीन पट्टनायक पुणी थे विश्व दरबार रे पुणी ए माटी स्थान पाइबा को जाउची विश्व दरबार रे ए माटी पुणी सम्मानित होबा को जाउची सेति पई माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महोदय को ए माटी तरफ हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा ज्ञापन करुचे विगत किसी वर्ष मध्य आम यही सुंदरगढ़ सुंदरगढ़ माटी आम यही ओडिशा माटी बहुत खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल भल परफॉर्मेंस करती जमी मुझे माइकल किंडो डेढ़ मस ते से नहांती वर्तमान तापरे लाजरस बार्ला इग्नेश तिर्की प्रबोध तिर्की विलियम खालखो कथा कहतु झीओ पिला सुनीता कुल्लू कैप्टेन भी थिले सुभद्रा प्रधान कैप्टेन मध्य थिले दुईहजार तेईस विश्वकप हॉकी मैच पर राउरकेला निर्माण होगा विश्वस्तरीय हॉकी स्टेडियम यह बिरसा मुंडा नाँ नामित कर राउरकेला गस्त अवसर यह घोषणा करते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बीपीयूटी कैंपस निर्माण होगा स्टेडियम भारत सर्वबृहत हॉकी स्टेडियम हो एक संगे 20,000 अधिक दर्शक बसी मैच देखिपारे यार डिजाइन एभली करमिक दर्शक मैंने अति निकटर मैच देखा भाई अनुभव करेंगे स्टेडियम एयरस्ट्रिप निकट में होता जातीय एवं अंतर्जातीय खिलाड़ी एवं कार्यकर्ता पहुंचे सुविधा है परिमित जगार भारत सर्वबृहत अंतर्जातीय मानर हॉकी स्टेडियम निर्माण विगत किसी वर्ष मध्य आम यही सुंदरगढ़ सुंदरगढ़ माटी आम यही ओडिशा माटी बहुत खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल भल परफॉर्मेंस करमी मुझे माइकल किंडो डेढ़ मस ते से नहांती वर्तमान तापरे लाजरस बार्ला इग्नेश तिर्की प्रबोध तिर्की विलियम खालखो कथा कहतु झीओ पिला सुनीता कुल्लू कैप्टेन भी थिले सुभद्रा प्रधान कैप्टेन मध्य थिले एवं प्रथम थर पर बहुत वर्ष पर आम इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफाई करते भितर चारि जन आम ओडिशा रु पार्टिसिपेट करते नमिता टोपो नीलिमा मिज दीप ग्रेसेका सुनीता लकरा किंतु आपण समस्या देखिथिबे विगत किछि वर्ष भितरे पुरुष अपेक्षा बॉयज पिलांको अपेक्षा झियो पिलामनको परफॉर्मेंस डेवलप होइ चालछि एबे आसंतु टॉप टू खबर को आसीबा एणिकी प्रवचन दे पारिबे बहुचर्चित सारथी बाबा सारथी को प्रवचन देबा पई अनुमति देछंती हाईकोर्ट सर्वाधिक 200 लोकों को नहीं दे पारिबे प्रवचन कोविड कटकणा मानी प्रवचन देबा पई सारथी को निर्देश दिया जाइछि प्रवचन पई अनुमति देबा पई अपील करथिले सारथी बर्तमान जेहतु मानव हाईकोर्ट स्पेसीफिक निर्देश देते हैं कौन सी प्रकार प्रवचन करेंगे ना कौन सी प्रकार लोकों पाखक जापरेंगे ना बा लोक आसपारे ना तो जेहतु मानव हाईकोर्ट उठे तेणु बर्तमान जे क्लीयर जदि अर्डर मो पाखे ना बट का जहाँ मानव हाईकोर्ट कहते मुझे भाई से असुविधा हमने से प्रवचन दे पारे सारथी एणिकी प्रवचन दे पारे ए संपर्क में सूचना आम सहित जोड़ी आम प्रतिनिधि नवेश महांती नवेश क्यों आधार में कोर्ट यही एक निर्णय शुणाई और अंपटे प्रकृत में कौन तथ्य एवं क्या आधार कर निर्देश आसी सतोष रावण सारथी हाईकोर्ट प्रयास चारोटी तथ्य पूर्व आकस इंपोज करते हाईकोर्ट जो समय से जमीन में बाहरी जेल रु से सत चारोटी मध्य सत्य था कौन धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करें ना कि एकत्रित करें ना प्रवर्तन दे पारे ना तथा प्रतिक्रिया दे पारे ना ये सत्य हाईकोर्ट को डर होते या पक्ष प्रयास था से हाईकोर्ट ने अवगत कराइए जेहेतु से धार्मिक प्रवर्तन अटक चाहिए अंपटे वरिष्ठ आईनजीवी सिद्धार्थ दास आम सहित जोड़ फोन लाइन में श्रीयुक्त दास आपको स्वागत करुच्ची आज कोर्ट जो निर्देश देते सारथी प्रवचन दे पारे आपत देखुं प्रकृत में क्या आधार में यह निर्देश दि जाए
ନାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯେ ସାରଥୀଙ୍କ ଓକିଲ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସାରଥୀଙ୍କର ପେଶା ଥିଲା ପ୍ରବଚନ ସେ ପ୍ରବଚନକୁ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଲ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କରୋନା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିଲେନି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ଭାବରେ ଆକୁ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ ପାଖରୁ କଣ ରଖାଗଲା କି କଣ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା କି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଆପଣ ସେ ପ୍ରବଚନକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 4-5 ମକଦ୍ଦମା ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେବାରେ କରିଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ମାର୍ବଲ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ନାବାଳିକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନଟା ଯଦି ଲୋକ ହିତକର ପାଇଁ ଥିବ ତାହେଲେ ତ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ଜେଲକୁ ଗଲେ ଯୋଉ କହିଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ ସାରଥୀ ବାବା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କିପରି ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ଏ ଯେ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ବା ସାଧୁ ବା କଣ ବି କହିପାରିବା ସେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ସେ ବହୁତ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଦାମୀ ମଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳାଯାଏ ତାହାକୁ କିଭଳି ଆଇନ ଦେଖେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ହଉଛି ମୋର ପେଶା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ନାହିଁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଆସୁନି ବା ମୋ କିଛି ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରବଚନ ହିଁ ସବୁ କଥା ଆସିଥିଲା ସେ ପ୍ରବଚନରେ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରବଚନ ହିଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥିଲା ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚନରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ମୋର ଯେ ଯେମିତି ମାର୍ବଲ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିଲା ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ତ ଅଦାଲତ ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସବିଶେଷ କଥା ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସାରଥୀଙ୍କ ଓକିଲ କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅର୍ଡର ଏଗେନେଷ୍ଟ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେ କିପରି ଗୋଟେ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ କଣ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସେମିତି କହିବେ ଯେ ସବୁକିଛି ହବ ସବୁକିଛି କରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ତା ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରଡଲେଣ୍ଟ ୱେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲା ସାରଥୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବି କରିପାରିଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପ୍ରବଞ୍ଚନଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ବିଳାସ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ହୋଟେଲରେ କିପରି ଜଣେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ତର୍ଜମାର କଥା ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ତର୍ଜମା ହେଲା ପରେ ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ିପାରେ କାହା ଆଧାରରେ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଆଇନ ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିବା ଓକିଲ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ଯଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦେଶ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ଟିକାର ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଭାଇରସ୍କୁ ହରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିଛି ନେଟୱାର୍କ 18 ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଭାବନା ଆଧାରରେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକା ପାଇବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଧିକାର ଆସନ୍ତୁ ଟପ୍ 3 ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦମ ପଛକୁ ହଟିଲା ଚୀନ ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତମ ଇଲାକାରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚୀନ ସୈନିକ ଫିଙ୍ଗର 4 ଏବଂ 5ରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଖାଲି ହେଲା 20 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ଚୀନ ମୁକ୍ତ ଫିଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଚାଇନିଜ୍ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହେଉଛି ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପଛକୁ ହଟୁଛି ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏଲ୍ଏସିରେ କମୁଛି ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ପରେ ଚୀନ ସେନା ହଟିଛି ପଛକୁ ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି ଚୀନ ସେନା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ହଟାଇ ଦେଇଛି ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି କିଛି ଯବାନ
शहीद मध्य होइथिले एवं धीरे धीरे से परिस्थिति किभली शांत हेबो बा से जगह पुणी किभली भाव में स्वाभाविक हेबो शांति प्रतिष्ठा हेबो से दिगरे कार्य जारी रहीथिला। विभिन्न समय रे कमांडर स्तरीय आलोचना मध्य होइछि एवं वर्तमान खबर आसुची कि चीन सेना धीरे धीरे सीमांतरु हटुचंती अर्थात कुआ जाय पारे से जगह रे शांति फेरी पारे से भली किछि आशा करा जाय पारे। भारतीय सेना जहाँ दम देखेछि ताकू बाध्य होई चीन पछकु हटिबा पई चीन बाध्य होईछि। पांगोंगर उच्चतम इलाकारु वर्तमान तळकु ओल्हाइबा आरंभ करिछि चीन सैनिक। फिंगर फोर एवं फाइव रु अस्थायी कैंप मध्य खाली होइथिबा सूचना रहिछि। 20 तारीख सुधा पूरा अंचल हेब चीन मुक्त एभली किछि आशा करा जाउछि। अन्यपटे फिंगर अंचल रे उच्चरे थिबा चाइनीज पोस्ट गुडिक मध्य खाली हेउछि। पांगोंगर दक्षिण प्रांतरु प्राय 200 चाइनीज टैंक मध्य पछकु हटिछि। पूर्व लद्दाख में लागी रही बिवाद रे वर्तमान आशा करा जाउछि कि एभली पदक्षेप द्वारा होइत धीरे धीरे शांति फेरी पारे। एलएसी रे उत्तेजना मध्य कमी पारे। भारत एवं चीन उभय देश मध्य रे होइतिबा बुझामणा परे चीन सेना पछकु हटुछंती। पांगोंग नदी कूल उत्तर एवं दक्षिण प्रांतरु पछकु हटिछंती चीन सेना। केवल सेतिकि नुहे सेठारे मुतयन होइतिबा टैंक गुडीकु मध्य चीन हटाई देछि। सीमा रे शांति प्रतिष्ठा करबा पई भारत एवं चीन एभली पदक्षेप नेछंती जहां पूर्वरु मध्य आमे देखुतिले कि विभिन्न समय रे कमांडर स्तरीय एवं विभिन्न प्रक्रिया रे आलोचना चालीथिला लगातार भाबरे आलोचना होतिला सीमांत किभली शांत रहिबो एवं उभय सेना किभली पछकु हटिबे एवं कोनोसी प्रकार आशंका न रहिबो ता उपरे गुरुत्व दिया जाउथिला। एबे आसंतु टॉप फोर खबर पर नजर पकाइबा। मध्यप्रदेश सिद्धिरे मर्मन्धुत दुर्घटना। सिद्धिरे केनाल को खसिला बस। एही दुर्घटना रे एपर्यंत 45 जणंकर मृत्यु होईछि। मृतकंक मध्यरे 24 जण पुरुष थिबा बेले 20 जण महिला अछंती। जणे शिशुंकर मध्य मृत्यु होईथिबा सूचना रहीछि। 7 जण यात्रींकु उद्धार करिछंती रेस्क्यू टीम। दुर्घटना परे संगे संगे स्थानीय लोके एवं प्रशासन एवं एनडीआरएफ टीम पहुँचि उद्धार कार्यरे लागिथिले। उद्धार कार्य सूचना मुताबिक वर्तमान भी जारी रही। मृतकों परिवार को राज्य सरकार पक्षर 5 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा कर। बहुत दुखद बस दुर्घटना हुई है। 7 लोग तो सुरक्षित निकल गए थे। नहर का पानी तत्काल बंद किया था, अब बस निकल रही है। घटना बहुत दुखद है। हमने सवेरे से ही राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए थे। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी सहित एसडीआरएफ की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ प्रशासन वहां तत्काल पहुंच गया था और आज सारे राहत के कामों की देखरेख के लिए 2 मंत्री साथी हम लोगों ने कैबिनेट की आपात बैठक अभी बुलाई और ये फैसला किया कि अभी कैबिनेट की बैठक स्थगित रहेगी। यही वह बस है जब सीधी से 6 बजे सतना के लिए रवाना हुई थी। रामपुर पहुंचते पहुंचते बस में 8 बज चुके थे लेकिन 8 बजे इसी नहर के पास हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में अब तक जो मौत का आंकड़ा जो निकल कर सामने आया है 37 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 7 लोगों को अभी तक इसमें जिंदा बचाया जा चुका है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर प्रशासन समय रहते अगर अपनी संजीदगी दिखाता तो जितने लोगों की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं से मौत का आंकड़ा जो है वो कम हो सकता था। वह बस है जिस बस में लोग इतने लोग सवार थे और राजकाल के मुंह में समा गए थे। ये जो बस है जो पूरी सीट जो देखे साल की 32 सीटर बस है। 32 सीटर बस में जो लोगों की संख्या जो संख्या की बात आ रही है 44-45 जो संख्या समझ में आ रही तो इसी बस में सबके सब सवार थे और आप काल के मुंह में समा गए। हालांकि इसमें से 7 लोगों को बचाया जा चुका है तो ये बड़ी बात है और ये देखना ये होगा कि अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ ठोस कदम उठाता है। तो जिस तरीके से पूरी बस है तो पूरी बस को अब पानी से जो पानी में डूबी हुई थी इस बस को बाहर निकाला गया है। बाहर इसमें से अब तक जो है तो 37 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 7 लोग इससे
जिंदा बच चुके हैं। कई जाबाज टीम है, जब पूरे कहना चाहिए कि 10 बजे से मोर्चा संभाले हैं, जिसके बाद से 37 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि इसमें हमारे मिथिलेश साहब भी हैं, एवी साहब भी हैं। मिथिलेश साहब, आप लोगों ने कब इसमें पूरा मोर्चा संभाला है और कितने बजे से लोगों को बचाने की कोशिश की है? हमारी टीम यहाँ 10 बजे आ गई थी, उसके बाद से मोर्चा हम लोग संभाल लिए थे और प्रेस को कार्य शुरू कर दिए थे। कितने लोगों को बाहर निकाला गया है टोटल? अभी तक जैसे कि बताया जा रहा है कि 37 डेड बॉडी निकाली गई है, उसमें हम लोग के आने के बाद से 29 निकाले थे, इसके पहले जो है और डेड बॉडी निकाली जा चुकी है। 7:30 बजे की घटना है जी, समथिंग 8 बजे के आसपास हमको सूचना प्राप्त हुई जी, 8 बजे तक हम ट्रेन लेके रवाना हो गए जी। स्वाभाविक है कि 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवा घंटे का टाइम लगा जी। 9:45 के आसपास हम यहाँ पहुँच गए जी, और पहुँचते ही नाव डाल के अपनी टीम को उतारा जी। बहाव तेज था जी, मतलब फिर रस्सा लगाया, रस्सा के सहारे नाव को बीच में और क्रेन से उसको बंधवाया और इसके बाद कार्य शुरू किया, जिसमें से तीन या चार डेड बॉडी होम गार्ड प्लस SDRF CGD ने निकाल लिया था जी। इसके बाद NDRF की टीम पहुंची और उनका भी अच्छा सहयोग हुआ। क्या माना जाए सर, कि अभी भी और लोग पानी में बहाव में बहे होंगे या सबको सुरक्षित? संभावना तो नहीं है, क्योंकि नाव बस के नीचे लगी हुई थी, नीचे साइड में, तो उसकी रैकी चल रही थी और जैसे डेड बॉडियां बस से निकालते थे तो लगे हुए थे सब, निकल बहने नहीं दिया। अब ये है कि इक्का दुक्का बही हो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना कम है। तो बिल्कुल जिस तरीके से सर अभी बता रहे हैं, तो हालांकि संभावना कम बता रहे हैं, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि अभी भी नहर के पानी में लोग बहे होंगे। हालांकि अब देखना यह होगा कि पूरी जो मामला है, इस पूरे मामले में आगे और आगे क्या कुछ होता है। हरीश द्विवेदी, न्यूज 18 सीधी। द्वितीय टेस्ट को जितिला टीम इंडिया, एक खबर को आज आम टॉप 5 रे स्थान दीछु। चेन्नई टेस्ट भारत दमदार विजय, अक्षर और अश्विन को स्पिन आगे मुंड नुआईला इंग्लैंड। इंग्लैंड को 317 रन में हराइला भारत, प्रथम टेस्ट पराजयर प्रतिशोध नेला विराट सेना। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड मध्य खेला जाता द्वितीय टेस्ट विराट सेना दमदार विजय हासिल कर सहित प्रथम टेस्ट पराजयर प्रतिशोध मध्य नहीं। द्वितीय टेस्ट इंग्लैंड भारतीय बोलिंग रो सामना कर नपारी 164 रन में ऑल आउट हो जाता, फल भारत 317 रन में विजय हासिल करने सहित सीरीज को 1-1 बराबर कर। द्वितीय टेस्ट प्रथम दिन भारत पल्ला भारी रही, भारत कब्जा मैच रही। दल तृतीय दिन में इंग्लैंड तीन जन बैट्समैन को पैवेलियन रास्ता देखा। चतुर्थ दिन में भ्रमणकारी दलर अन्य बैट्समैन माने आउट हो जाते, 482 रन विजय लक्ष्य को पिछा करुवा इंग्लैंड 164 रन में ऑल आउट हो जाता। मैचर तृतीय दिन में रविचंद्रन अश्विन दमदार 106 रन और कैप्टेन विराट कोहली धैर्यपूर्ण अर्धशतक बल में भारत द्वितीय इनिंगस 286 रन कर ऑल आउट होता। इंग्लैंड आगे भारत 482 रन विशाल लक्ष्य छिड़ा कर। अश्विन स्पिन जादू और डेब्यूटेंट अक्षर पटेल बोलिंग आगे चकमा खाई जाता इंग्लीश टीम। यह विजय सहित भारत प्रथम टेस्ट पराजयर प्रतिशोध नहीं। इंग्लैंड पक्षर द्वितीय इनिंगस मोइन अली सर्वाधिक 43 रन कर, भारत पक्षर आर अश्विन 4, अक्षर पटेल 5 और कुलदीप यादव को 2 विकेट मिली। तबे टीम इंडिया विजय नहीं अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ रुद्र प्रसन्न रथ क्रिकेट समीक्षक। रुद्र भाई, आपको स्वागत करुच्चे, ये विजय को किभली भाव में देखुं? निश्चय आवश्यकता थी टीम इंडिया विजय, प्रथम टेस्ट हारला परे अनेक समालोचना होता भारतीय दल को निहाती द्वितीय दरकार था, कारण वर्ल्ड टेस्ट चंपियनशिप जो फाइनाल को जीवाई सीरीज विजय दरकार, आमको दुईटा मैच इंग्लैंड को हरिया पड़ो, तेणु सीरीज विजय आमको अनेक कन्फिडेंस जानते हैं। जानते आगामी टेस्ट मैच जो अच्छी पिंक गोल्ड क्रिकेट हम, तेणु जदि आज जीति पारे हे तो आम सीरीज हाथ सुटा कर, भल कता जो जल्दी सीरीज को पलि आसने लेवलिंग स्तर को पलि आस। पिंक बॉल को जीवा पूर्व विजय मनोबल बढ़ावे केते दूर सहायक हे, गोटे टीम इंडिया एटीच्यूड किसी अलग रही पारे कि मैच रे आगामी मैच देखते ऑस्ट्रेलिया रे जो प्रदर्शन दे आसते आशा कर घर मैच इंडिया इंग्लैंड को भल भल कर इंग्लैंड को हरब कि प्रथम मैच हारला पर लगुला जमी गोटे हिसाब पत्र सब उल्टे पाल्टे हो जाए इंग्लैंड पूरा प्रस्तुत होगी आसती खास कर भारतीय बैट्समैन स्पिन को खेलने को असमर्थ होते लगुला जो गोटे इंग्लैंड गोटे बहुत प्रिपेरेशन करके आसती इंडिया को हरेब और गोटे बड़ डीट नब तत्पक्ष आम बर्तमान लेवल स्तर को जाती है पिंक बॉल क्रिकेट और पर मैच जो दीटा टेस्ट हम हैदराबाद अहमदाबाद सीरीज भाग्य निर्धारण कर। पिच को नहीं आप मतामत कौन जो पिच रे 15 विकेट 16 विकेट पड़ुची दिन को सही पिच रे 8 नंबर बैट्समैन आसी सेंचुरी करुंच
ପିଚ୍ କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା, ଉଭୟ ସମାଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ ବି ଅଛନ୍ତି ପିଚ୍ ର, କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଚାରି ଦିନ ଯାଇଛି ପିଚ୍, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ର ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଫୋର୍ଥ ଡେ ର ପୋଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍ ପଡିଛି ପିଚ୍ ରେ, ତେଣୁ ପିଚ୍ ଏକଦମ ଖରାପ ଥିଲା କହି ହେବନି, କାରଣ ଏଇ ପିଚ୍ ରେ ପୁଣି ଆଠ ନମ୍ବର ରେ ଆସିକି ଅଶ୍ୱିନୀ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସାତ ନମ୍ବର ଆଠ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି, ତ ତେଣୁ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ନିଜର ଟେକ୍ନିକ କୁ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଯିଏ ସ୍କିଲ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ସିଏ ବଢିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସିଧାସଳଖ ଏହା ରହିବ କି ପିଚ୍ କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଟେକ୍ନିକ ସୁଧାରିବା କଥା? ଏଠି ଏଠି ସ୍କିଲ ସେଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକ ଡେଫିନେଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ସ୍କିଲ ସେଟ୍ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଯଦି ଅଶ୍ୱିନୀ କାଲି ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିପାରନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କୋହଲି କାଲି 50 କଲେ ସେଇ ଏଇଭଳିଆ ପିଚ୍ ରେ ଖେଳିକି, ତେଣୁ ଏଠି ମତଲବ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି 80 ନମ୍ବରଟା ବଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲର ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ରକ୍ଷାତ୍ମକ ବୋଲିଂ କଲେ, ବୋଲିଂ ର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟସ୍ ଜିତିଲା ପରେ 200-250 ଭିତରେ ରଖିବା ଥିଲା ସେମାନେ ବିଫଳ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆକୁ 250 ରନ୍ ରଖିପାରନ୍ତେ ପଛୁଆ ଇନିଂସ ହୁଏତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସ୍କିଲ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍କିଲ ସେଟ୍ ରେ ପଛୁଆ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହାରିଗଲା ଏ ମ୍ୟାଚ୍, ବିଲକୁଲ ସେ କୌଶଳ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପାଇଁ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ଟପ୍ ଫାଇଭ୍ କୁ ଏଇଟ୍ ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ news18odia.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ / news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ / news18odia। ନମସ୍କାର।